Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration and this is a video lecture number 9. I hope you have already watched part 1 to part 8 before watching part 9. We are discussing presently method of substitution, and in that we are discussing special integrals. So let me discuss some special integrals of other type. So a special integral of this age. A special integral we are discussing, and what are those special integrals? That is basically integration of dx upon a square minus x square under root dx upon x square minus a square under root and dx upon a square plus x square under root. These are the three types. ये तीन तरीके का जो इंटीग्रेशन है इसका क्या रिजल्ट होता है और इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये समझने की जरूरत है. आपको सब्स्टिट्यूशन याद होगा, हमने सब्स्टिट्यूशन बता रखा है कि आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कैसे. तो आप एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे तो सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, ए टेन थीटा, राइट. और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं दिखाई दे तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन हमने आपको पहले बता दिया है, इसी सब्स्टिट्यूशन को फिर हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे जब भी ये कहीं भी दिखाई दे, वेदर ये रूट में हो या रूट के बिना हो या न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, हम हमेशा यही करेंगे, इसके सिवाय कुछ और नहीं करेंगे. तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, अब इसका आंसर मैं अगर लिखूं तो इसका आंसर होता है, याद रखे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. इसका आंसर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस जो है वो लिख देना है सीधा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है प्लस सी. याद रखने का ट्रिक है लॉग ऑफ एक्स प्लस जो है वो लिख देना है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो वो लिख देना है प्लस सी. ये तो आपको पता चलेगा कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का होता था, तो ये क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स. तो ये वाला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये आपको पता था कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के पैटर्न का है. चूंकि यहाँ ए वन के जगह पर ए है इसलिए यहाँ ए आ जाएगा, तो ये याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा. और इन दोनों के लिए जब एक वाला डिफरेंशिएट कर ले तो बाकी दो बच गए, और इन बाकी दो को याद करने के लिए हमें क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी फंक्शन यहाँ लिखा है उसी को लिख देना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो फंक्शन है उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है इनकी प्रूफ भी पहले करते हैं, जैसा कि हम पहले प्रूफ किए हैं, सीखते हैं इनके प्रूफ वन बाई वन कर. जैसे पहले टाइप का एक क्वेश्चन पहला जो था उसको आप देखते हैं, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. जैसे कि हम पहले से सीख चुके हैं कि x को क्या पुट करना है, हमें पुट करना है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा. तो हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं क्या, dx के बदले a cos थीटा d थीटा, और नीचे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट. तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा, ए बाहर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, नीचे में मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वो भी बाहर आके ए ही होगा, और अंदर में क्या रह जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. तो a से a कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, और आपके पास बच जाएगा इंटीग्रल d थीटा. इंटीग्रल d थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा. इंटीग्रल dx का मतलब x होता है, तो इंटीग्रल d थीटा का मतलब थीटा प्लस c. थीटा क्या होगा, x इज इक्वल टू a sin थीटा है, सिंस x इज इक्वल टू a sin थीटा है तो आप sin थीटा को, दिस इंप्लॉय sin थीटा को x बाई a लिख सकते हैं, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इधर आके, इसलिए इस थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी.
और यही हमने आपको याद रखने के लिए गुजारिश की थी कि आप इसे याद रखिए, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग एल्स बट साइन इनवर्स x बाय a। इसको आप याद रखें इस तरह से, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, दूसरा जो है उसको आप देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा वो था ये कि dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन हमने बताया हुआ है। क्या सब्स्टिट्यूशन है इसके लिए जी, कि x को पुट करेंगे a tan theta, प्लस में हो तो tan theta, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx के बदले हम लिख देंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे में क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin tan स्क्वायर थीटा। x को a tan थीटा पुट किया हुआ हमने, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके हो जाएगा, अंदर में मिलेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और लेकिन वो रूट के अंदर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, सेक थीटा। एक से कट जाएगा, यहाँ ए से एक कट जाएगा, तब आपके पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब इसको आप लिख सकते हो, लॉग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस सी। यानी tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा यहाँ पे x, tan थीटा क्या है, सिंस tan x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो आप tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, x बाई a। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं log अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस tan थीटा के बदले x बाई ए प्लस सी। ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए, दोनों में यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम होगा रूट के अंदर, जो बाहर आके हो जाएगा, ए और ए का एलसीएम ए होगा, प्लस दिस प्लस सी। आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। अब ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये डिवाइड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लाके माइनस कर लेंगे, और चूंकि दोनों ही कांस्टेंट है तो अब एक कांस्टेंट यहाँ भी है, ये भी कांस्टेंट ही है, दो जगह कांस्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लिख देंगे, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, बात एक ही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक ही सी है, ये दो सी नहीं लिखते, इसलिए ये आंसर हो जाए। ठीक है, अब तीसरा जो बचा है उसको देखते हैं, वो क्या है, वो है कि यह तीसरा प्रूफ, डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अब इसका भी सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है कि क्या करना है, क्या पुट करना है इसका सब्स्टिट्यूशन, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो डीएक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, a sec theta tan theta d theta, right? अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, देखिए ये हो गया a sec theta dx के बदले tan theta d theta, नीचे क्या होगा, नीचे होगा a square sec square theta minus a square, इसमें से भी a square बाहर लेंगे तो रूट के बाहर आके a हो जाएगा, जो ऊपर वाले a से कट जाएगा, और ऊपर में रह जाएगा sec theta tan theta d theta, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी होगा tan स्क्वायर थीटा, जो बाहर आके tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, sec थीटा। फिर इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, sec थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है कि log sec थीटा प्लस tan थीटा होता है ना, प्लस सी। अब इसको लिख सकते हो log sec थीटा को sec थीटा, तो लिख ही सकते हैं,
और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी, सेक थीटा के बदले एक्स बाई ए लिख सकते हैं। इसलिए अब ये जो होगा वो हो जाएगा लॉग एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये भी हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी एलसीएम में ए स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, जो बाहर आके ए हो जाएगा, तो ए और ए का एलसीएम ए होगा, जो कि इधर आके बाहर माइनस हो जाएगा, है ना, लॉग माइनस लॉग ए और सी मिलके लॉग सी ही हो जाता है, इसलिए आंसर आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों फॉर्मूला की डेरिवेशन थी, और इन तीनों फॉर्मूला के डेरिवेशन आपने समझ लिया कि किस तरह से ये होता है, लेकिन आगे से हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रूफ करने की बार बार जरूरत नहीं है, आगे इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको आइडियाज मिलते हैं कि हम किस तरह के फंक्शन होगा तो क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस सब बात की जानकारी इससे मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, है ना, क्या कुछ इसका एप्लीकेशन करें। हाँ चलिए कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं और कुछ इस क्वेश्चन पे प्रत्येक पे थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये चीज अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप तीन प्रूफ कर लिए, अब लिखते हैं डीएक्स अपॉन, ये है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या हो गया, वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और आपको फॉर्मूला याद हो गया है कि नहीं याद हुआ अभी तक, अगर नहीं याद हुआ है तो आप अवश्य याद कर लीजिए, फॉर्मूला क्या था, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता था। तो इस आधार पर इसको क्या आंसर लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये लिखा है, तो आप इसको कैसे करोगे, तो ये होगा डी एक्स अपॉन क्या लिख देंगे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस, याद है फॉर्मूला क्या बताया इसका, हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि जब dx अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आपको लिखना है log of x plus, जो है वो लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देना है प्लस सी, तो यहाँ पर भी x है ये सीधे लिख देंगे और बाकी जो है वही लिख देना, यानी यही लिखना है, तो जब यही लिखना है मतलब सीधा यही लिखना है, तो सीधे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा विद इन सेकंड। 6th क्वेश्चन देखते हैं, और 6th क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है dx अपॉन ये है 25 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये भी है, ये भी इसी तरह का है, तो हम इसको भी लिख देंगे क्या dx अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये भी उसी टाइप का है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया हो तो फॉर्मूला क्या था कि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, दोनों ही स्थिति में हम क्या आंसर करते हैं log of x प्लस, जो है वो लिख देना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना है। तो अगर ये बात आपको याद है तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं log of x प्लस जो है सो, ये जो है सो मतलब यहाँ पे जो है वो सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इस हिसाब से आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो ये तो वो हो गई जो कुछ सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उनको कैसे आंसर लिखना है वो आप लिख पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यूनिटी नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, जैसे ये लिखा हो dx अपॉन अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, या तो फिर वैसे ही एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिटी बनाएं,
या फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं पहले की तरह कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही पैटर्न हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। और उसमें हम क्या करते हैं, log ऑफ x, x की जगह पर क्या है 2x प्लस जो है सो, यानी जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो ही आएगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा प्लस सी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या भूल रहे हैं हम लोग ये भूल रहे हैं कि 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x का कोफिशियंट क्या है 2 है, और x के कोफिशियंट से डिवाइड करना ही पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अल्टरनेट मेथड की जरूरत पड़ेगी, और अल्टरनेट मेथड क्या है कि आप 4 को पहले कॉमन लीजिए, अल्टरनेटिवली अल्टरनेट में ये होगा कि आपको पहले 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, 4 बाहर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये 1/4 होगा जिसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ये रूट के अंदर है पूरा चीज। अब ये हो गया 1/2 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर हम लिख सकते हैं log x प्लस क्या अंडर रूट जो है वो, यानी x स्क्वायर माइनस 1/4, और ये प्लस सी, तब भी आपका यही आ जाएगा log ऑफ, ये क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अंदर में हो जाएगा, और रूट के बाहर आके ये 4 होगा, रूट के बाहर 4, रूट के अंदर 4 होगा तो रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, जो इसके साथ एलसीएम लोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस अंदर में हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में क्या बचेगा 2, जो लॉग सी के साथ जाकर के सी ही हो जाएगा, इसलिए वही आंसर आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। एक फंक्शन में एक इंटीग्रेंट से जो आता है फंक्शन इंटीग्रल करने के बाद उसमें दो जगह कांस्टेंट नहीं लिखते, जैसे आपके खाने की थाली में एक ही थाली में चार जगह टोमेटो सॉस रख दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी हम फंक्शन में क्या करते हैं कांस्टेंट एक ही जगह लिखते हैं, एक वैरायटी एक ही जगह, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि ये 3 - x² 3 - 2x² लाइक दिस, तो यहां पर भी आपको वैसे ही करना होगा। क्या करोगे आप, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर, अंदर में रूट 2 × x का स्क्वायर, और पूरी चीज क्या है रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये होगा साइन इनवर्स x/a, ये होगा, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, x के कोफिशियंट से डिवाइड करना है प्लस सी, तब ये जाके आंसर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं लाइक dx अपॉन अंडर रूट 4x² प्लस 9, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, वही कर देंगे dx अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट में, ये हो गया क्या लिखेंगे फिर log ऑफ x के जगह पर 2x प्लस जो है सो, यानी यही एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब यही एक्सप्रेशन लिखना है, सीधे सीधे हम इसी एक्सप्रेशन को लिख देंगे प्लस सी आंसर हो जाएगा। होपफुली एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं फाइनली क्या आता है आपका। ऐसा क्वेश्चन अगर हो कि dx अपॉन 5 - x² ऐसे, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास अभी तक कोई जुगाड़ नहीं है। अगर आप इसको टी स्क्वायर सोच रहे हो कि हम पुट कर ले रूट वाले चीज को, बाहर आके dt हो जाएगा, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ x चाहिए, x यहाँ है नहीं, इसलिए ऐसा कर नहीं सकते। फॉर्मूला लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं है, रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और दोनों क्या है इसमें, और इस फॉर्मूले का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स x/a x/√5 प्लस सी, ये आंसर होगा, ठीक है। कुछ और एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं थोड़े से, बस 2-3 मिनट और देखिए, इसको हम देखते हैं कि कुछ और एप्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हमने कर लिया, 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन जो ऐसा है कि ये लिखा है x³ √x^8 + 16 dx। अब यहां पर देखिए कि एक्स क्यू है ऊपर में, है ना, एक्स क्यू है, और एक्स क्यू
देखने से आपको आइडिया लग रहा है कि अगर एक्स फोर को हम टी पुट करें तो हमारा एक्स क्यूब डेरिवेटिव आ जाएगा। ये बात पता चलते ही आप एक्स फोर को टी पुट कर देंगे। क्यों पुट कर दीजिए एक्स फोर को टी, क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यानी एक्स क्यू डी एक्स के बदले 1/4 dt लिखने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, और आप लिख देंगे 1/4 x³ dx, ये x³, ये dx के बदले 1/4 dt। नीचे क्या हो गया, t² + 4² फिर वही फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 log t + √ जो है सो, यानी t² + 16 + c। और टी कहां से आया, टी अपने घर से तो आया नहीं, तो टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, टी x² + √ x^8 + 16 + c आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर फंक्शन डायरेक्ट ना हो, उसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन भी हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट एप्लीकेशन भी है, उसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन करके और क्वेश्चन को उस फॉर्म में ला सकते हैं और फिर उसका जवाब लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही होगी, ऐसे कोई बड़ी बात है ही नहीं कि नहीं समझ में आए। मेरा ख्याल है कि बहुत ही आसान चीज है। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और देखते हैं कि और एप्लीकेशन किस तरह के हो सकते हैं इसके। अगर और एप्लीकेशन की बात करूं तो ये है लिखा हुआ कि cos(x) dx / √sin²x + 16 कुछ ऐसा लिखा। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे। किसको पुट करेंगे, साइन एक्स को टी पुट कर देंगे, साइन एक्स को टी। तो उसका डेरिवेटिव यहाँ cos(x) dx दिख रहा है, और यही सबसे बड़ा क्ल्यू है जो कि हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही वो सबसे बड़ा हथियार है जिसको समझ में अगर आ जाए, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो जिसको समझ में आ जाए वो बहुत बड़ा सिकंदर होता है इंटीग्रेशन का, और जिसको नहीं समझ में आती है वो बार बार तड़पता रहता है कि हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये पता नहीं चलता। लेकिन जिसको ये बात समझ में आ गई कि किसका डेरिवेटिव क्या है, और ये तब आएगा जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद होंगे। और अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बात समझने में बहुत ज्यादा मुश्किलात है, और ऐसी कोई मुश्किल होती है तो फिर से आप डिफरेंशिएशन को एक बार रिवाइज करें, ऐसी मैं सलाह दूंगा। फॉर्मूला तो निश्चित रूप से याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद किए बात बनेगी नहीं। तो अब हम cos(x) dx, ये जो है cos(x) dx, इसके बदले dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया dt/√t² + 16, 16 को 4² लिख सकते हैं, और ये भी हो जाएगा क्या, log(t) √t² + 16, ये होगा ऐसा ही। अब इसमें हम t की वैल्यू प्लस c लिखेंगे, और t की वैल्यू अब यहाँ पे रख दें तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, t क्या है, t है हमारा कुछ नहीं बट t है साइन एक्स। तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को, चाहे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर दिमाग में रहे तो ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या आपको लिखने की जरूरत है कि ये कैसे होगा, नहीं। ये पता चल गया कि ये dt हो जाएगा t² - 16, और t प्लस जो है सो सीधा यही फंक्शन आएगा, t प्लस जो है सो इसका मतलब यही फंक्शन आएगा, और t का मतलब ये साइन एक्स। तो आपको सीधा ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये ऑप्शन में दिया होगा, बीच की लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन देखो और आंसर लिखो वाली ट्रिक से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, बिना एक शब्द लिखे, बिना एक शब्द लिखे भी आप आंसर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि e^2, ये देखिए e^(x) / √1 - e^2x dx, तो यहाँ पर भी आप e^(x) को t पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e^(x) का मतलब हो गया कि ये dt हो जाएगा ऊपर में, और नीचे क्या हो जाएगा, √1 - t²
वन माइनस टी स्क्वायर होता है तो क्या इंटीग्रेशन होता है, ये कहने की बात नहीं। अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, साइन इनवर्स टी। तो बिना कुछ कहे बिना कुछ समझे हम ई टू दी पावर साइन इनवर्स टी के बदले ई टू दी पावर एक्स प्लस सी आंसर लिख सकते हैं। यानी मैं ये चाहता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखें, क्योंकि अभी आप बिगिनिंग में हैं इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें भी कुछ नया वर्ड हमने नहीं किया है, क्या किया है, e टू द पावर x को t पुट कर दिया, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा i इज इक्वल टू dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर दैट इज sin इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू रख दिया तो sin इनवर्स e टू द पावर x प्लस c आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया इसको भी और ये सी आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये पहचान करना है कि किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा और उसका आंसर किस फॉर्म में आएगा। आपको कई सारे फॉर्म दिए होंगे, चार ही ऑप्शन है, 4 लाख ऑप्शन नहीं होते, एक क्वेश्चन के चार ही ऑप्शन होते हैं, और चार ऑप्शन में फंक्शन का या तो डिफरेंस होगा क्योंकि उनको लगता है कि इसका फॉर्मूला बच्चा उस फॉर्म उसका फॉर्मूला उसमें और उसका फॉर्मूला उसमें लिखेगा। तो दो ऐसे ऑप्शन इसलिए होते हैं जिसमें फंक्शन का डिफरेंट फंक्शन में ही आंसर होएगा, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, आपको ये वाला पैटर्न दिया उसमें साइन इनवर्स एक्स वाला लिख दिया, किसी को कंफ्यूजन होगी तो साइन इनवर्स एक्स वाला ट्रिक करेगा, किसी को ये वाला दिया उसमें आपका क्या करेंगे कि ये वाला जो है इसमें इस टाइप में अलग अलग इसमें लिख दिया ये वाला टाइप का आंसर। तो दो फंक्शन में होगा पक्का डिफरेंस, उन दो को आप तो फंक्शन देखते ही रिजेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में से। जो दो होगा उसमें या तो साइन की दिक्कत होगी या फंक्शन में कोफिशियंट का दिक्कत होगा। कोफिशियंट आपको सिर्फ पहचानना है, आप आंसर बड़े ही आराम से बिना किसी झमेले के लिख सकते हैं, बिना कुछ लिखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं, किसी को दिखाना हो तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने काफी सारे एग्जांपल लिए हैं और मुझे लगता है कि इतने सारे एग्जांपल से आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, और जब थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया तो आप ताउम्र इसको बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। हमने जब सीखा था तब हमें एक बार समझ में आ गया था, और आज यकीन मानिए जितने क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, आप देखिए, आप देख भी सकते हैं, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं वो देख रहे हैं कि हम जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंस्टेंट होती है दिमाग से। आप किसी किताब में देखोगे तो शायद मुश्किल से एक दो मिल जाए, वो भी कोइंसिडेंस हो सकती है कि कोई एक दो क्वेश्चन ना दिमाग में के लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे स्टोर हो और वो क्वेश्चन रिप्लिकेट होकर के फिर से बाहर रिप्रोड्यूस हो रहा हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि चीजें मुझे आती है, मैंने चीजों को समझा है और आपके सामने डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो जनरेट हो रही है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दिमाग में जनरेट हो रही है, हम फंक्शन लिख रहे हैं और हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो आप इसको इसी तरह से आप भी करें, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप भी कल से ऐसा ही करेंगे और थोड़े सी प्रैक्टिस के बाद आप भी इस तरह का एबिलिटी जरूर गेन करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों को भी बताएं, थोड़े और लोगों को पहुंचाएं। मेरा पर्पस है इसको और लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, आप इसमें हमारी मदद करें हमें खुशी होगी। थैंक यू